हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चे मिट्टी, कोयला या चोक आदि खाते हैं तो वो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी कमी हो जाती है कि बच्चों में, जिससे बच्चे कोयला या रेत इत्यादि खाने लग जाते हैं? या ऐसी आदत को छुड़ाने के लिए ऐसी कौन सी दवाई है जिससे बेबी गारा खाना छोड़ देता है? यह कौन सी देसी दवा है जो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने अधिकांश बच्चों को देखा होगा कि वो चुपके चुपके कोयला खाते हैं या मिट्टी खाते हैं, चाहे वो बच्चा शहर का हो या गांव का, करीब करीब बच्चे खा ही लेते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो वो सबकी नज़र से बचते बचाते खा लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्या कमी आती है बच्चों में, जिससे बच्चे मिट्टी खाते हैं? तो हम बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर कुछ जांचें कराता है कि बच्चों में खून की कमी के कारण बेबी मिट्टी खाता है। वैसे बेबी के हर चीज़ में दूध का मिश्रण होने से बच्चे में खून की कमी आ जाती है। वैसे बच्चों की खुराक में दाल सब्जियों की कमी होने से ये समस्या आती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप बच्चों को डराए नहीं और ना ही बच्चों को मारे नहीं, प्यार से समझाए। वैसे मारने से बच्चा गारा खाना नहीं छोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बच्चे अगर ज़्यादा गारा खाए तो क्या नुकसान है। तो मिट्टी गारा खाना या एक गलत आदत है जिससे बच्चे के पेट में दर्द होता है और पेट में कीड़े हो सकते हैं, और हो सकता है कि इस वजह से बच्चे को स्टोन की शिकायत भी हो जाए। तो आप हो सके तो उतना जल्दी बच्चे को गारा खाना छुड़ा दें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बच्चे को इस आदत को कैसे छुड़ाए, तो आइए जानें। तो पहला तरीका है, बच्चे को रोज़ एक केला ले, उस पर थोड़ा सा शहद मिलाकर दे। ऐसा करने से बच्चे मिट्टी खाना छोड़ देंगे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो आप कुछ लौंग को पीसकर पानी में उबाल कर फिर बच्चे को एक चम्मच करके तीन समय में ये पानी पिला दें। इससे भी बच्चे की मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। आपका जब बच्चा गारा खाने लगे तो आप उस समय उसके मुंह में थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डाल दें। एक और भी तरीका है, आप बच्चे को टोरोफ्रोन ड्रॉप भी दे सकते हैं। इससे भी बच्चे की मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। और बच्चे को कुछ दिन पालक की सब्ज़ी भी खिलाए तो भी बच्चे की मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।